और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दरअसल एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान की तरफ वो रुख करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो ये दौरा है, जानकारी आप तक पहुंचा दें, तारीख 15-16 अक्टूबर की है जब एससीओ की बैठक है, और इस बैठक के चलते उन्हें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का दौरा करना होगा। तो एससीओ का हिस्सा होने के नाते एससीओ की बैठक में शामिल होना भारत की बड़ी जिम्मेदारी, और इसी के चलते पाकिस्तान दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। नीरज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, ये दौरा किस तरह का होगा, क्या कुछ तस्वीर सामने आ सकती है जो ये फैसला लिया गया है, पूरी जानकारी? देखिए, एससीओ की मीटिंग इसी महीने होने वाली है अक्टूबर में, और विदेश मंत्री एस जयशंकर, आमतौर पे हेड ऑफ गवर्नमेंट को इनवाइट किया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन भारत ने यह तय किया है कि इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर एक प्रतिनिधि मंडल के साथ हिस्सा लेंगे। आपको याद होगा कि पिछले बार भारत में जब एससीओ की बैठक हुई थी उसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन और इस बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। आपसे थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय ने इसका ऐलान किया था, पाकिस्तान की तरफ से भारत को आमंत्रण था, जो कि नियमित तौर पे एक आमंत्रण होता है, लेकिन भारत ने यह तय किया कि विदेश मंत्री जाएंगे वहां, और क्या द्विपक्षीय मसलों पे कोई बातचीत होगी इस बात की अब तक कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर होती है तो उसके बारे में विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी जाएगी। लेकिन भारत का पक्ष रहा है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, और लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियां सीमा पार से जारी हैं। यानी कहा जा सकता है कि भारत का डंका जो है एक बार पड़ोसी मुल्क के जरिए फिर सामने आएगा, क्योंकि इतना तो तय है कि अपने विदेश मंत्री पाकिस्तान की जमीन से ही उन्हें आतंकवाद को लेते हुए वैश्विक तौर पर एक बड़ी चेतावनी, एक बड़ा संदेश यकीनन देंगे, और उस तस्वीर का भी इंतजार होगा। शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए आपका।